जय हिंद बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी के बारे में, हमने बीपीटी थ्योरम और उसके कन्वर्स को भी प्रीवियस क्लास में समझा रखा है। इनके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि इसके कंसेप्ट और भी ब्रशअप हो जाए। चलते हैं इस कंसेप्ट को देखते हैं, फर्स्ट रिकॉल करें एक बार आखिरकार था क्या। तो इसमें बीपीटी में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह थर्ड साइड का ध्यान देना कि वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है। सपोज के एम एन है, एक लाइन है जो कि इसको डी और ई पर पॉइंट पर प्रकट कर रही है, ए बी सी एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें डी ई पैरेलल है इसके बी सी के। जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए अपॉन ई सी के। यह कंसेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह रिमेनिंग टू साइड्स को वह सेम रेशियो में बांटती है। यह है बीपीटी थ्योरम। अब इनका कन्वर्स क्या होता है कि अगर सेम रेशियो में बांटेगी तो वह पैरेलल होंगी, यानी इस तरह से अगर रेशियो में बांटती है तो यह पैरेलल होंगी, यह पैरेलल है तो वह सेम रेशियो में बांटेंगी। यही कंसेप्ट है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। बीपीटी में ही बोलता है कि लाइन पैरेलल हो तो वह सेम रेशियो में बांटेंगी, अगर सेम रेशियो में बांटेंगी तो वह पैरेलल होंगी। चलिए इनके आधार पे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमने लिखा है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा जब कभी हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें दो बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या है कि जो गिवन दिया होता है उसके आधार पे हम कुछ फैक्ट को नोट करते हैं और जो प्रूफ करना होता है उसको टू प्रूफ करके लिख देते हैं। कभी कभी जरूरत हमें कंस्ट्रक्शन की भी पड़ती है। चलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके बारे में हम जाने। तो ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें सिर्फ एक ही पेयर क्या होती है पैरेलल होती है। जैसे हमने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB is parallel to DC, यह given है कि AB is parallel to DC, इसका मतलब क्या हुआ कि one pair of opposite sides is parallel, it means AB is parallel to DC and both are opposite sides. Diagonals bisect each other and diagonals intersect each other at point O. Diagonals जो है इसको O point पे intersect करती है, यानी याद है कि यहाँ पे यह point क्या है O है, जहाँ पे वो इसको intersect करती है O पे, right? अब मुझे two prove करना है। डायरेक्ट लिखे पर टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यह मुझे प्रूफ करके दिखाना है। यह कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए हमने थोड़ा सा एक आइडिया लगाना है कि कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं हमें। ध्यान रखिए एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ किया है इससे, सपोज नाम इसका ई लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ईओ व्हिच इज पैरेलल टू ए बी, या ईओ ए बी के पैरेलल है, व्हिच इज आल्सो पैरेलल टू डीसी, या डीसी के भी पैरेलल है। यह याद रखना है कि ईओ हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि ए बी के पैरेलल है, और ए बी चूंकि डीसी के पैरेलल था इसलिए सभी आपस में पैरेलल हो गए। चलिए प्रूफ की बात करें, है ना, प्रूफ इस प्रूफ में क्या होगा, देखिए मैं जो डार्केड पार्ट कर रहा हूँ उसको देखेंगे सिर्फ आप, है ना, कि ए डी सी ट्रायंगल को देखिए, आई मीन जस्ट इस छोटे वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले हिस्से को ढक देते हैं, इस वाले पार्ट को देखेंगे। अगर इसको बाइफर्केट कर देखें तो ऐसा फोटो देख लीजिए आप, ऐसा क्या ए है डी है और सी है, ई ओ है यहाँ पे पैरेलल, ई ओ पैरेलल टू डी सी। जस्ट हम इधर वाले पार्ट को हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए डी सी में EO is parallel to DC. EO जो है वह DC के parallel है, इसका मतलब AE upon ED बराबर होगा AO upon OC के, AO upon OC. Therefore, AE upon ED बराबर होगा AO upon OC के by BPT. इस आधार पे इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। यह रेशियो याद रखिए कि AE upon डी बराबर ए अपॉन ओसी, यह सिर्फ इस पार्ट इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तब इसी फिगर को हम फिर दोबारा देखें, अगर इधर इसमें इस ट्रायंगल ए बी डी में
इन ट्रायंगल एबीडी की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, ईओ इज पैरेलल टू, ईओ इज पैरेलल टू एबी, ईओ इज पैरेलल टू एबी। ईओ किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है, इसका मतलब यह पैरेलल हुआ, इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बीओ अपॉन डी ओ, ए ई अपॉन ई डी चाहे डी बराबर होगा बीओ अपॉन डी ओ के। इक्वेशन सेकेंड बाय बीपीटी, बीपीटी यहाँ भी लिखेंगे, कारण चूंकि हम जब कभी कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस केस में इसको हम लिख पाते हैं। अब देखिए हमने दोनों ट्रायंगल को देख लिया है, इस केस में लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है आपको ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी दोनों बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, राइट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, देयरफोर क्या लिखें, देयरफोर ए ओ अपॉन ओ सी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। लेकिन मुझे प्रूफ करना था ए ओ अपॉन बी ओ, इस चीज को यहां से यहां कर देते हैं, यहां से हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, देयरफोर ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, यानी इसको इधर ले आ देते हैं इसको यहां ले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर ओ सी अपॉन सी ओ अपॉन डी ओ कर लीजिए अपना, ओ सी अपॉन डी ओ, सी ओ ओ सी दोनों बराबर है यहाँ पर, हैंस इट इज प्रूव, हैंस इट इज प्रूव। अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसमें कोई अपने हिसाब से कोई आइडेंटिटी नहीं यूज किया है, जस्ट एक बीपीटी का यूज करना था मुझे कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है, आई मीन इसकी रेशियो समान होगी, ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, कब, जब ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, इस क्वेश्चन सेकेंड ले लिया हमने, फर्स्ट वाले पार्ट में इसको कवर किया था, ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, देन ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल किया और इक्वल करने के बाद लेफ्ट हैंड इक्वल था तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगी, जस्ट हमने इसको प्रूव कर दिया, आंसर इज प्रूव्ड। क्वेश्चन में क्या है कि पी एस इज, देखिए ये भी एक पीक्यू आर एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है पीक्यूआर जिसमें पी एस अपॉन एस क्यू, ध्यान देना यहाँ पर लिखना क्या मुझे, गिवन यहाँ पर, गिवन में देखिए यहाँ पर कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू है पी टी अपॉन में टी आर, यह मुझे गिवन है, राइट है ना, यह रेशियो गिवन है मुझे, ट्रायंगल को देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल, इसमें पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में, पी टी अपॉन में टी आर, यह गिवन है, पी टी अपॉन में टी आर यह गिवन है। और दूसरा एक और विच इज गिवन है एंड एंड पी एस टी, पी एस टी, पी एस टी एंगल, पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, इसका मतलब इसको अगर हम वन और टू ले लेते हैं, वन ले लेते हैं अगर यहाँ पर इसको टू ले लेते हैं, इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, यह गिवन है, यह मुझे गिवन है, राइट एंड। अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूफ में करना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि पी क्यू आर इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यह कैसे हुआ पी क्यू आर आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि इन टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, वैसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, और याद रखिएगा ये इक्वल होती है इसका मतलब सामने वाले एंगल भी इक्वल होती है, नाइन्थ क्लास में ही पढ़ना है इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट, जो है आपने पीछे भी क्लास में पढ़ा भी होगा कि जब साइड इक्वल होती है तो सामने वाली एंगल भी इक्वल होती है। चलिए कोई नहीं, देखिए इस केस में देखिए आप आइसोसेल्स करना है कि टू प्रूफ है ना कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स, आई एस ओ एस सी ई एल एस, आइसोसेल्स आइसोसेल्स है, मुझे प्रूफ करके दिखाना है, राइट है ना। अब देखिए प्रूफ को लिखिए, प्रूफ में क्या करना है कि मुझे गिवन था यहाँ पर कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, जब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन के कारण जो टू पार्ट्स होती है उसमें सेम रेशियो हो तो वह क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर रिकॉल करें आप तो याद हो जाएगा आपको, सेम से लिखना है प्रूफ में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू है पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफोर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी यही बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो सेम रेशियो में बांटती है, अगर सेम रेशियो में बांटते हैं तो आपस में पैरेलल होती है। इसका मतलब एस टी इज पैरेलल टू, यह लाइन पैरेलल होंगी इसके, इसका मतलब जो पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समान होते थे, वन जो है वह थ्री के बराबर हो जाएंगे। सपोज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, देयर फोर है ना एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री कर दें इधर हम, क्यों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान रखिएगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गई राइट है ना, इस केस में वन इज इक्वल टू थ्री हुआ, वन इज इक्वल टू थ्री, बट यहाँ क्या लिखा है बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये तो गिवन था, क्या था यह गिवन, और हमने क्या लिखा वन इज इक्वल टू थ्री लिखा, इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों से क्या मिलेगा आपको वन थ्री के बराबर है, वन टू के बराबर, इसका मतलब देयरफॉर देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, इसका मतलब क्या हुआ एंगल टू जो है एंगल थ्री के बराबर है, क्योंकि एक ही सेम टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, दो चीज अगर एक ही चीज के बराबर तो आपस में बराबर होता है, इस केस में टू बराबर थ्री हो गया, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री। अब याद रखना है कि अगर एंगल इक्वल होता है सामने वाली साइड भी इक्वल होती है, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेल्स प्रॉपर्टी, आइसोसेल्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होगा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि एंगल टू जो है एंगल थ्री के बराबर है, टू के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी पी क्यू हो जाएगी, यह इसके बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ यह साइड जो है पूरी इस पूरे के इक्वल हो गई, इसका मतलब यह ऐसा हुआ देयरफॉर ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर इज एन आइसोसेल्स सेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स प्रूफ। बहुत ही आसान था कि हमने क्या किया एंगल को इक्वल कर दिया तो सामने वाली साइड भी इक्वल हो गई आपस में। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग फिगर मतलब बगल में जो फिगर दे रखी है इसमें कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी, ए कहाँ है ओपी पे, ये जो ओपी है इस पे ए पॉइंट दे रखा है, ए बी ओक्यू पे बी पॉइंट दे रखी है एंड सी जो है यानी ओ आर पे सी पॉइंट दे रखी है राइट है ना। तो इस तरह से है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें ओ पी ओ क्यू ओ आर पे ए बी सी रिस्पेक्टिवली है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में हमने नाम लिया उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू दी जा रही है, आई मीन ए बी और सी पॉइंट्स हमने नोट कर दिया इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यह लाइन आपस में पैरेलल है, यह लाइन किसके पैरेलल है इसके पैरेलल, ठीक है एंड ए सी इज ऑल्सो पैरेलल टू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यह भी इसके पैरेलल है, यह भी इसके पैरेलल है, राइट करना कि यह पैरेलल है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि BC इज पैरेलल टू, या दोनों चीजें समझ में आ गई बात है, अब प्रूफ करना है कि BC इज पैरेलल टू QR, मुझे यही बात समझनी होती है क्वेश्चन में कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो ट्रायंगल में दो बातें तो समझ में आ ही गई, हमेशा दिमाग में रखिए यह क्या चीज, जैसे पैरेलल की बात करता है तो आपको मन में आना चाहिए कि वह सेम रेशियो में बांट रही होगी। चलिए हमने गिवन में चूंकि क्वेश्चन देख ही रहे इसलिए हम डायरेक्ट टू प्रूफ से चलते हैं, टू प्रूफ क्या करना है BC इज पैरेलल टू QR, या मुझे प्रूफ करना है BC किसके पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू QR या मुझे दिखाना है, ठीक है प्रूफ देखिए यहाँ पे क्या है। पहली बात चूंकि हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा हम इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पर P है और यहाँ पे Q है, यहाँ पर वो है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जो इस तरह से दिख रहा है आपको, इसमें क्या है कि यह पैरेलल है इसके, यह क्या है पैरेलल है इसके, यानी ए बी, ए बी इज पैरेलल टू, इसको लिख दीजिए किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल है ना पी ओ क्यू की हम बात कर रहे हैं, पी ओ क्यू की बात कर रहे हैं, इसमें ए बी क्या है पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यह गिवन था, क्या था यह गिवन, जैसे पैरेलल हुआ तो क्या होगा इसकी रेशियो सेम होगी, देयरफॉर पी ए अपॉन ए ओ, देयरफॉर पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा इधर से क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ, ध्यान रखिए क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यों
बाई कन्वर्स ऑफ चाहिए बाई बी पी टी कन्वर्स क्यों बाई बी पी टी बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये आइडिया हमारे मन में आता है कि अगर सेम पैरेलल है तो सेम रेशियो में बांटेगी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया राइट हैंड। चलिए दूसरी तरफ हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी ओ आर की बात करते हैं। इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे ऐसे, इसलिए रखिए पी ओ आर, पी ओ और आर है, यह पैरेलल यहाँ पर ए और सी है। ए सी इज पैरेलल टू आर, यह आर है नहीं, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में देखेंगे हम, पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, यह भी गिवन है, तो क्या यह गिवन दे रखी है। इस केस में जैसे पैरेलल हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेशियो भी समान होगी, पी ए अपॉन ए ओ, देयरफॉर पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा आर सी अपॉन ओ सी, आर सी अपॉन आर सी अपॉन सी ओ, ऐसा भी कर सकते हैं सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ क्वेश्चन सेकेंड बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, बी पी टी। इन कॉन्सेप्ट के आधार पर यह भी हो गई। जरा ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड यह जो वाला पार्ट दिख रहा है इधर, वही चीज इधर भी दिख रहा है, यह दोनों की लेफ्ट इक्वल है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड के, इसका मतलब राइट भी इक्वल होगा। इस केस में हम इसको क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन के टू पार्ट्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट देन राइट इज इक्वल टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर होगा आर सी अपॉन सी ओ, आर सी अपॉन सी ओ। अब ध्यान से सुनिए, क्यू बी अपॉन बी ओ, क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आर सी अपॉन सी ओ, इसकी रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी के कन्वर्स से यह आइडिया निकलता है कि इसकी रेशियो और किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान देना इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर इस ट्रायंगल की, इसमें क्या देख रहे हो आप, इस केस में आप देख रहे हैं कि यह लाइन इसकी रेशियो समान है। इसका मतलब क्या है, यह लाइन आपस में पैरेलल होगी, यह लाइन आपस में पैरेलल होगी, इस तरह से कोरिलेट कर रखा है कि हमने दिखा दिया कि एक पैरेलल है तो सेम रेशियो में बांटेंगी। अब दोनों से निकला कि सेम रेशियो में बट रही है, इसका मतलब उस लाइन क्या कारण बट रही है, तो वह लाइन आपस में थर्ड लाइन के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हेंस इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। एडजॉइनिंग फिगर पी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, एडजॉइनिंग फिगर पी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपने देखा होगा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें P एक पॉइंट है, कहां, इस पे BC पे राइट है ना, P इज ए पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट MP इज पैरेलल टू AB, MP MP इज पैरेलल टू MP, दिस वन इज पैरेलल टू AB, ये इसके पैरेलल है। किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल और लाइन ड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में बांटती है। NP इज पैरेलल टू AC, NP जो है वो AC के पैरेलल, NP इज पैरेलल टू AC, इसके पैरेलल है राइट है ना। एंड MN If MN and CB, MN, MN का मतलब ये हुआ, MN and CB, या CB, इन दोनों को प्रोड्यूस कर दिया गया, आगे क्यों बढ़ाया गया, मिट एट पॉइंट Q, तो ये कहाँ मिलती है, आगे बढ़ने के बाद Q पॉइंट पर मिलती है राइट, यहाँ पे Q पॉइंट पर मिलती है राइट है ना। अब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी इंटू क्यू सी, ध्यान देना है टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ गिवन, तो हमें क्वेश्चन दो लिख ही देना है हाई, टू प्रूफ में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू बी इंटू में यू सी, यह प्रूफ करना है राइट है ना। यह कैसे प्रूफ होगा उसके लिए ध्यान दीजिए, प्रूफ अब आपको मैं बता दूं, अभी तक हमने दो ही कॉन्सेप्ट देखा है कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड को, हमें रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में बांटती हैं। तो याद रखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल किसमें, क्यू पी एम, हम क्या लिखे इसमें पहली बात है, इन ट्रायंगल क्यू पी एम में, जिस ट्रायंगल का हमने नाम लिया उसको देखिए आप यहाँ पर क्यू पी एम, यानी यहां से शुरू करेंगे ऐसे और ऐसे और ऐसे राइट है।
इस ट्रायंगल को देखेंगे जस्ट, इसमें क्या था कि एम पी जो है वो पैरेलल है किसके, बी एन के, नहीं चाहे एन बी के लिखना है, पर एम पी इज पैरेलल टू एन बी, यह हमें क्या था गिवन था, एम पी इज पैरेलल टू ए बी लिखा, ए बी पैरेलल से पूरी लाइन पैरेलल होती है, उसकी कुछ पार्ट भी पैरेलल होती है आपस में, ए बी इज पैरेलल टू यानी ए बी कर दिए, राइट है ना, इसका मतलब क्यों, देयरफॉर एम पी इज पैरेलल टू एन बी, यह गिवन था, क्या था यहाँ पर गिवन था, यह गिवन था, इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में इसकी जो रेशियो होगी, अब देखिए क्यू एन अपॉन एन एम बराबर होगा क्यू बी अपॉन में बी पी, तो एक केस और भी आता है कि इसकी रेशियो पूरे के साथ आपस में बराबर होगी, इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देयरफॉर क्यू एन अपॉन क्यू एम, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू बी, क्यू बी अपॉन क्यू पी, क्यू पी, देखिए इस इतने पार्ट को हम पूरे के साथ और इतने पार्ट को हम इस पूरे के साथ रेशियो आपस में इक्वल कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी बी पी टी ही होगा, इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी, बी पी टी है ना, इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट के आधार पे, थ्योरम के आधार पे हमने इसको क्या किया, क्यू एन अपॉन क्यू एम बराबर होगा क्यू बी अपॉन में क्यू पी, जस्ट अब इस ट्रायंगल की हम बात करें क्यू सी एम, अब किसकी बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्यू सी एम की बात करें अगर हम, तो क्या होगा इसमें, यह जो है एन पी पैरेलल टू एम सी, एन पी पैरेलल टू एम सी, आपने देखिए क्या लिखा, एन पी इज पैरेलल टू ए सी दे रखा है, एन पी इज पैरेलल टू ए सी, अभी मैंने सेम बात बताया कि वह पैरेलल लाइन के पैरेलल, इसका मतलब उसकी एक पार्ट भी पैरेलल होगी, यहाँ पर फिर से मानवी कर दी ए सी कर दीजिए, यह भी गिवन था, ये क्या था यहाँ पर, यह गिवन, इसका मतलब क्या हुआ, एन पी इज पैरेलल टू एम सी, राइट है ना, इसके पैरेलल हो गए, जब पैरेलल हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेशियो आपस में समान होगी, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्यू एन अपॉन क्यू एम, क्यू एन अपॉन क्यू एम बराबर होगा क्यू एन अपॉन क्यू एम बराबर होगा क्यू पी अपॉन क्यू सी, क्यू पी अपॉन क्यू सी, क्यों, बाय बी पी टी, बाय बी पी टी, बी पी टी थ्योरम, इसको क्वेश्चन सेकेंड मान लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, क्यू एन अपॉन क्यू एम, क्यू एन अपॉन क्यू एम, दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी राइट इक्वल होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलता है मुझे, देखिए अब इसमें क्यू बी अपॉन है ना, क्यू पी, क्यू बी अपॉन क्यू पी बराबर होगा क्यू पी अपॉन क्यू सी, जब दो फ्रैक्शन इक्वल होता है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई करके क्यू पी का स्क्वायर है ना बराबर होगा क्यू बी इंटू में क्यू सी, यही तो प्रूफ करना था, क्यू बी इंटू क्यू सी बराबर पी क्यू स्क्वायर, यानी इसको देयरफॉर पी क्यू कर सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी इंटू क्यू सी, हेंस इट इज प्रूफ, हेंस इट इज प्रूफ, इसमें कोई नई बात हमने यूज नहीं किया, जस्ट एक बी पी टी कंसेप्ट को देखा है और इस ट्रायंगल में इस पार्ट का होल के साथ रेशियो निकाला है, इस पार्ट का होल के साथ रेशियो निकाला है ताकि दोनों को इक्वेट कर पाए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एज इट बी पैरेलल टू, इफ डी इज पैरेलल टू, इफ डी इज पैरेलल टू ए बी, डी जो है वो पैरेलल टू ए बी है, यह इसके पैरेलल है ना, देन फाइंड एक्स, फाइंड है ना एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यूजुअली इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा कि किस तरह से आपस में इक्वल होंगी, देखिए हमने पढ़ा है बी पी टी थ्योरम में है ना, क्या देखिए यहाँ पर टू फाइंड एक्स है, इस केस में क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में डी इज पैरेलल टू, डी इज पैरेलल टू ए बी, ये तो गिवन था, क्या था यार गिवन, देयरफॉर जैसे पैरेलल हुआ इसकी रेशियो समान होनी चाहिए, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के, ए डी अपॉन डी सी बराबर बी ई अपॉन में, सॉरी यहाँ बी होगा, यहाँ पर बी ई अपॉन ई सी होगा, राइट है ना, इसकी इसकी रेशियो, इसकी इसकी रेशियो समान होगी,
क्यों होगी समान, उसका एक रीजन देना है बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, राइट है ना। ये जरूर लिखना होता है कि आप किस आधार पे इसको रेशियो सम को इक्वेट कर रहे हो। इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया आपका, 3x प्लस में 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 व्हिच इज इक्वल टू 3x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय x, ऐसे कर दिया। जब दो फ्रैक्शन हो बीच में इक्वल टू तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस में 19 मल्टीप्लाई बाय x कर दिया यहाँ पर ऐसे, इज इक्वल टू 3x प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 कर दिया, राइट है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 3x स्क्वायर प्लस में 19 ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 3x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 4x प्लस में 4312, राइट है ना। ये दोनों वैल्यू तो कट जाएगी, 19x इज इक्वल टू 9 4 13x, 13x प्लस में 12, x वाले को एक तरफ करो ट्रांसपोज, 19x माइनस में 13x इज इक्वल टू 12, यानी 6x इज इक्वल टू 12, यानी 6 से कैंसिल किया 2, x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, राइट है ना। तो हेंस x इज इक्वल टू, हेंस x की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 2 आ गया, राइट है ना, ये आंसर आ गया। इस तरह से अगर हम फाइंड करना चाहें, कोई कभी DC की लेंथ पूछता है, सी की लेंथ पूछता है, इस तरह से जो अननोन है उसको हम नोन कर पाएंगे आसानी से। तो आप याद कर जाइए कि तो माइंड में लॉक होना चाहिए, तमाम क्वेश्चनों से क्या कंक्लूजन निकला कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल हो जो दोनों डिफरेंट लाइन को कट करती हो, इसका मतलब क्या होगी, वह सेम रेशियो में बांटेंगी। जब सेम रेशियो में बांटेंगी तो लाइन पैरेलल होंगी आपस में, इसको हम BPT के नाम से जानते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT के नाम से जानते हैं। इन आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।